हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं बना रही हूँ रात की बची हुई रोटी से बहुत ही अलग और स्पेशल रेसिपी, जो आज से पहले ना ही तो आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। अगर आप ये रेसिपी बना लेंगे तो सब छोटे बड़े खाने के लिए टूट पड़े। ऐसा आज हम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। 4-5 रोटी तो हर घर में डेली ही बच ही जाती है, तो उस रोटी को आज हम फेंकेंगे नहीं, उसका अलग और स्पेशल नाश्ता बना के तैयार करते हैं। देखिए, मैंने 4 से 5 रोटी ली है। इनको इस तरह से रोल रोल करके और नूडल्स के शेप में हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से जिस तरह से मैं नूडल्स के शेप में कट कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी इसे नूडल्स के शेप में सारी रोटियों को इस तरह से कट कर लीजिएगा। अगर आपके घर में 10 रोटी भी बचेगी तो वो भी इस नाश्ते में कम पड़ जाएगी। इतना टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं सीक्रेट ट्रिक से आज ये हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, इसी तरह से मैंने सारी रोटियों को नूडल्स के शेप में काट लिया है। ये नाश्ता बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप टिफ़िन में और इसे झटपट बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं करेंगे जो घर में ना मिलता हो, वही मसाले यूज करेंगे जो घर में आसानी से मिल जाते हैं। देखिए, मैंने सारी रोटियों को इसी तरह से काट के और एक प्लेट में डाल के रख लिया है। चलिए, अब हम करते हैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है और ऑयल को गर्म करके अच्छे से इसमें 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है। ऑयल को गर्म होने के बाद में इसमें जीरा ऐड किया। जीरे को अच्छे से भुनने के बाद में इसमें बड़े साइज का कटा हुआ 1 प्याज ऐड किया है और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए, इसी तरह से प्याज को हमें अच्छे से पका लेना है और प्याज के पकने के बाद में इसमें 2 कटी हुई बड़ी साइज की हरी मिर्च ऐड की है, उसे भी हमें अच्छे से पका लेना है। ये नाश्ता आसान तरीके से कोई भी छोटा बड़ा सब बना सकता है और नॉर्मल मसालों से आज हम ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। देखिए, हरी मिर्च हमारी अच्छे से पक गई है। पकने के बाद में मैंने 1 कटा हुआ आलू ऐड किया है। आलू को छील के और काट के आलू ऐड किया। आलू को भी हमें इसी तरह से प्याज और हरी मिर्च में अच्छे से पका लेना है। देखिए, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 से 3 मिनट में आलू, प्याज, हरी मिर्च तीनों अच्छे से पक जाएंगे। पकने के बाद में इसमें हम ऐड करते हैं सूखे मसाले, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप अगर आप ऐड करेंगे तो इससे नाश्ते में टेस्ट दुगुना हो जाएगा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप केचप ऐड करेंगे तो ये नाश्ता और भी टेस्टी बनेगा। देखिए, इसे हमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल के और अच्छे से मसाले को आलू, प्याज, हरी मिर्च के साथ अच्छे से पका लेना है। देखिए, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से पका लिया है उबाल आने तक। और अच्छे से मसाला पकने के बाद में इसमें ऐड करेंगे जो हमें नूडल्स के शेप में रोटियां काट के रखी है, वो इस मसाले में हम ऐड करेंगे। प्याज, आलू, हरी मिर्च सब हमारे अच्छे से पक गए हैं 4 से 5 मिनट में। और पानी ऐड करने के बाद में, मसाला अच्छे से पकाने के बाद में, ये नूडल्स के शेप में कटी हुई रोटियों को ऐड करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। और ध्यान रहे, गैस की फ्लेम हमें अब बिल्कुल ही कम कर देनी है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो रोटियां गल जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें अच्छे से मिक्स करके और केवल 10 से 15 सेकंड के लिए पका लेना है। देखिए, तैयार है हमारा हेल्दी, चटपटा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो सब बनाते ही टूट पड़ेंगी खाने के लिए। 10 रोटियां भी कम पड़ जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।